हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्यूट से खास से ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो मेरी दीदी खाना बना रही है और मैं जा रही हूँ अपने भाई का ये कपड़ा है मतलब इसको धुलने। देखिए कल रक्षाबंधन है, ठीक है। तो सुबह में गया था पढ़ने, कंप्यूटर क्लास गया था, तो बोल के गया था कि कपड़ा साफ कर देना, धुल देना, उसको सुखा देना, तभी कल हम वीडियो बनाएंगे तुम्हारे साथ। क्योंकि मेरे पास कपड़ा नहीं है, पूरा कपड़ा मैंने मतलब गंदा करके रख दिया है। तो जबरदस्ती बोला है कि कपड़ा मतलब धूल दोगी ये वाला, तब वीडियो बनाएंगे तुम्हारे साथ। और कल रक्षाबंधन है तो मैं कोई तमाशा नहीं चाहती, इसीलिए जा रही हूँ कपड़ा धुलने। देखिये दीदी मेरी हंस रही है। तो ये देखिये, ये शर्ट है इसका, ये जीन्स है और ये कबाड़ खाना बनाया है। देखिए कहाँ पे कपड़ा रखा है, जो जबरदस्ती से ना दीदी मार धार करके कैसे भी है? और ये पापड़ है, हमारा पापड़ है। देखिए हमारा पापड़ कल खाएंगे हम, रक्षाबंधन है तो कल के लिए आया है ना दीदी। बाकी फाड़ फाड़ के उसमें से तल के हम आज ही खा लिए हैं हम लोगों ने। ये भुट्टा है सबके का। और ये भुट्टा है मेरा नहीं है, बिट्टू का है। का है बाबू बोले कपड़ा जा रहे धुलने, जा रहे कपड़ा धुले तो बाबू का है बोले। देखिए ये जीन्स है, ये शर्ट है और देखिए कैसे जोर जबरदस्ती से मतलब घर में कपड़ा रखा है बिस्तर पे कि हम वहीं पर रखेंगे। और दीदी बोलती है कि कपड़ा हटा दो, तो दीदी से कल ही बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था ना दीदी, बहुत लड़ाई किया था। बोल रहा है कि कहाँ रखे, रेगनी पर जगह नहीं है तो कहाँ रखे, वहीं पर रहेगा मेरा कपड़ा, मेरा कपड़ा गुम हो जाएगा, घर में से भी उसका कपड़ा गुम हो जा रहा है। तो वैसे तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे जा रहा है मतलब, लेकिन मजबूरी है, कल रक्षाबंधन है, नहीं तो कल भी चले जाएगा, पढ़ने चले जाएंगे। तो देखिए जा रही हूँ कपड़ा धुलने और आप लोग इधर देख सकते हो मेरी दीदी आटा गुन चुकी है, आटा रख चुकी है सान के और सब्जी बना रही है ना दीदी। देखिए बना रही है सब्जी और मैं जा रही हूँ कपड़ा धुलने। तो क्या बोल रही है, कुछ बोल रही थी, बोल रहे थे ना कि कहां से तमाचा। वो देखिए कैसे मार रही है, मार मार के बनाइए आप आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ, इधर आप लोग देख सकते हो ये कल है यहाँ का जिस रूम में हम लोग रहते हैं और इसमें मैं कपड़ा रख देती हूँ। देखिए ये हमारा ही साबुन है, उस समय मैं आई थी मुंह हाथ धोने तो बाल्टी छूट गया है, चलिए चलते हैं बाल्टी लाने। तो फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, देखिए प्लीज कमेंट भी बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। ओ माय गॉड, इतनी गोरी दिख रही हूँ मैं। दीदी मैं कल पे गई थी तो बहुत ज्यादा गोरी दिख रही थी। बाल्टी कहाँ है, छोटा वाला बाल्टी लेके जाए, उसमें कपड़ा है, उसको भी धुलना है ना। तो धुल दे रहे हैं, जा रहे हैं धुले, धुल देंगे। तो ये भी कपड़ा ले लेते हैं क्योंकि दीदी खाना बना रही है, खाना बनाने के बाद वो भी थोड़ा सा रिलैक्स होंगी। बन गई सब्जी, काट ली, देखिए सब्जी काट रही है दीदी, आटा भी रख चुकी है ना दीदी। और मैं जा रही हूँ कपड़ा धुल ले। तो आप लोग देख सकते हो कल है ये। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ये कितना कपड़ा है, मेरा कपड़ा है, दीदी का कपड़ा है, दो तीन इसमें है और मेरे भाई का वो कपड़ा है, तो वही धुलना है। तो चलते हैं फटाफट धुल लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो ये जो कपड़ा है ये जा रही इसको रख के धुलने। देखिए उसका भी इसमें है, ये कोलगेट है, ये जीन्स का कपड़ा है, देखिए
इतना सारा कपड़ा है। हाय।
मैंने पूरा जो कपड़ा है उसको धुल दिया है। अब मैं जा रही हूँ छत पे। तो फ्रेंड्स हो गया है फाइनली, पूरा काम कंप्लीट हो गया मेरा। तो मैं दिखा देती हूँ मम्मी को भी, आप लोग ये देख सकते हो पूरा काम हो गया मेरा। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो मेरी मम्मी भी आई है, और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी मम्मी कैमरा कर रही है, तो पता नहीं देखना पड़ेगा कि कैसे करिए। वैसे तो बहुत अच्छा कैमरा करती है, तो आप लोग देख सकते हो। हाय बोली मम्मी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी आ गई है, और खाना बन जाएगा तो घर पे लेके जाएंगे। उसके बाद सुबह में ही 4 बजे आना है ना मम्मी, तो सुबह में एकदम भोरे भोरे 4 बजे आएंगे, क्योंकि कल है रक्षाबंधन और 7 बजे तक मतलब राखी बांधा जाएगा आज से 7 बजे से ना मम्मी। हाँ। और कल 7 बजे तक हम लोग के यहाँ। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग के यहाँ ऐसा हो रहा है कि नहीं कुछ, रात को राखी कौन बांधता है। लेकिन सुबह में हम लोग बांधेंगे 7 बजे के इधर ही, और ऊपर से वीडियो भी शूट करना है तो, और खाना भी बनाना है, बहुत सारा काम है। तो कल मम्मी सुबह में ही आ जाएंगे ताकि हम लोग वीडियो अच्छे से बना पाए। तो प्लीज कमेंट भी बताना कि ये क्यूट सा प्यारा सा ब्लॉग जो है आप लोग को कैसा लगा, अपना ढेर सारा प्यार देना। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को ढेर सारा वायरल कीजिए, ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए मेरे हर एक वीडियोस पे। प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो बदल सकता है और हम भी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और फिलहाल कमेंट पे बताना कि मैं मम्मी कैसे लग रहे हैं आप लोग को। मेरी मम्मी देखिए बेचारी मतलब चली जाती है रोज, जब भी हम लोग बुलाते हैं तभी मेरी मम्मी आ जाती है। तो फ्रेंड्स प्लीज आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, और कमेंट भी बताना कि क्यूट सा प्यारा सा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स, और मेरे जितने भी भाई हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोग की जिंदगी में ढेर सारी खुशियां हैं। और प्लीज मैं एक बात बोलना चाहूंगी जाते जाते कि प्लीज आप लोग सभी महिलाओं की रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत कीजिए। इज्जत देने से किसी भी मर्द की इज्जत कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है। तो प्लीज आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए, और जो हमारा देश है उसको आगे तक लेके जाइए। एकदम सब कुछ अच्छा रहे, हर इंसान खुश रहे, बस यही कामना तमन्ना है। तो लव यू ऑल फ्रेंड्स, इतना सपोर्ट, इतना प्यार के लिए दिल से थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।